हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज एक ऐसे दलित सिंगर की बात करने जा रहे हैं जिसके गाने सुन करके मनुवादियों का खून खौल उठता था, और अपने उसी खौलते हुए खून को शांत करने के लिए मनुवादियों ने उस दलित सिंगर की हत्या कर दी, साथ में उनकी पत्नी और दो उनके साथियों को गोली मार दी। तो सम्मानित साथियों, इस दलित सिंगर के बारे में आप लोगों को मैं बताऊं, उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस सिंगर के बारे में। सम्मानित साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि बहुजन समाज में तमाम सिंगर आ गए हैं जो बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं और बहुजन महापुरुषों के मिशन को अपने गानों के माध्यम से भारत सहित विदेशों में भी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, उन्हीं में से एक थे। 21 जुलाई 1960 को पंजाब के लुधियाना के पास में दुगरी गांव में जन्मे हुए अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला रविदसिया सिख चमार थे और उनका परिवार बेहद ही गरीब था, जिसके वजह से वह एक कपड़े की मिल में काम करते थे। उसी कपड़े की मिल में काम करते हुए वह गीत को लिखने का काम करते थे और उसे गाते भी थे। उनके गीत और गाने लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ते जा रहे थे, जिसके वजह से चमकीला बहुत ही पॉपुलर हो रहे थे, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों बाद मोहम्मद सादिक और सिंडा जैसे पंजाबी लोक गीत कलाकारों के साथ वह जुड़ करके उनके लिए गीत लिखने का काम करने लगे। चमकीला के द्वारा लिखे जा रहे गीत और गानों के वजह से वह पॉपुलर होते जा रहे थे। दिन प्रतिदिन लोग उनके गीतों के कायल होते जा रहे थे। 8 मार्च 1988 ईस्वी को महसामपुर में एक संगीत का कार्यक्रम रखा गया था और उसमें इनको बुलाया गया था। चमकीला अपनी पत्नी के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। जैसे ही वह गाड़ी से उतरे, कुछ मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने तड़ातड़ इनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें चमकीला की मौत हो गई। साथ ही इनकी पत्नी अमरजोत को भी गोली मार दी गई और इनके दो दोस्तों को भी गोली मार दी गई। दोस्तों, आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी गोलीबारी में कोई भी जांच नहीं हुई और 1988 से लेकर के आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। चमकीला को किसने गोली मारी, क्यों मारी, उसका क्या रहस्य था, आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया।